बिस्फील जनाब हमद अजहर मिनिस्टर एनर्जी एम्बेस्टर नॉन रॉन्ग और स्टेट uh, ग्रिड के शबाव uh, प्रेसिडेंट, uh, मैं आज इस ओकेजन uh, पे uh, सबको मुबारक देना चाहता हूँ जो जिन्होंने 2018 से अब तक तेज़ी से ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया आ, हमें पता है कि ये 2013 से शुरू था प्रोजेक्ट लेकिन इसके ऊपर कोई काम तेज़ी से नहीं हो रहा था और इस दौरान में पिछले तीन साल में आ, बड़ी तेज़ी से काम हुआ और ये जो आज हमने इसकी इनाग्रेशन किया ट्रांसमिशन लाइन की 800 सौ 80 अस्सी किलोमीटर और मटियारी से लाहौर तक जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है इस आ, सबसे मॉडर्न कह लें स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन चार फीसद के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो सत्रह फ़ीसद हैं तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है एक फ़ीसद लाइन लॉस का मतलब कितने अरब रुपया कई यानी एक फ़ीसद जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है तो ये जब जितनी लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से तो ये जो हम बचाएंगे इससे बिजली की लॉस बचाएंगे तो ये इन ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अपना बड़ी जल्दी जो अपना कॉस्ट है इसका वो पूरा कर देगा मुझे दूसरी खुशी ये है कि ये सी का जो बेल्टन रोड का जो प्रेसिडेंट शी जिन का उसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेल्टन रोड का वो है सी और सी के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया उसे थोड़ा सा मसले हमें आए लेकिन माशाल्लाह ये फिर से हमारी तेज़ी से हमारे सी के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो जे सी सी की मीटिंग हुई जिसमें अभी एम्बेसडर नॉन नौ, रॉन्ग ने बताया कि इसके अलावा पहले तो, तो सिर्फ था जनरेशन फिर सड़क थी फिर अब ये ट्रांसमिशन है और इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स बड़ी पुरानी हो चुकी हैं जिसमें लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो पेस्को के इतने लाइन लॉसेज हैं कि हमें हमारे पास बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुँचा सकते लोगों तक क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी हो चुकी हैं और इससे बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को कि लोग एक तरफ़ कहते हैं जी आपके पास बिजली है लेकिन बिजली पहुंची क्यों नहीं लोड शेडिंग क्यों है लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की ताकि और हमारे होते हुए भी बिजली हम लोगों तक नहीं पहुँचा सकते तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आप स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन लाइन्स और आपको सामने नज़र आ गया कि कहाँ सत्रह फ़ीसद लाइन लॉसेज और कहाँ चार फीसद पर आ गई तो इन ये हम इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बाकी भी ट्रांसमिशन लाइन्स पर लेकिन सी पैक का शुरू हुआ था सड़क और पावर जनरेशन से अब ट्रांसमिशन पर पहुँच गया और अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का इंडस्ट्रलाइजेशन के बग़ैर मुल्क में वो दौलत नहीं आ सकती जिससे हम जो हमने कर्ज़े चढ़ाए हुए अपने ऊपर वो कर्जे वापस कर सकें वो जब तक वेल्थ क्रिएशन होगी दौलत में इजाफ़ा होगा ही तो हम कर्ज़े वापस करेंगे जिस तरह एक घर है घर जब मक्रूज हो जाता है तो घर अपने कर्जे कैसे उतारता है पहले आमदनी अपनी बढ़ाता है आमदनी बढ़ती है तो वो कर्ज़े वापस करता है तो हम इंडस्ट्रलाइजेशन से और फिर एग्रीकल्चर जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ ला के उससे अपनी इन दौलत में इजाफा करेंगे और उससे फिर हम अपने कर्ज़ों का जो बोझ है वो नीचा करेंगे तो ये जो सी पैक है इसका इसकी जो रफ्तार है वो इन तेज होगी बीच में हमें मसले आए और जिस तरह मैंने कहा कि कोरोना की वजह से बड़े मसले आए क्योंकि सारी कम्यूनिकेशन रुकी है एक बार ट्रैवल बहन हो गए हैं आप जा नहीं सकते उसके बड़े यानी अल्लाह ने हमें काफ़ी इम्तहानों में डाला जिसमें जब हम रिकवर कर रहे थे तो करोना का आ गया और करोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई दुनिया में कमोडिटी प्राइसज़ ऊपर चली गई हैं तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई इफेक्ट हुई सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसज़ खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तो ये आर्जी तौर पे है इन जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और फैलती जा रही है और कोरोना का जो खौफ़ है वो कम होता जा रहा है और हमें उम्मीद है उम्मीद है हम कह नहीं सकते चार तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं तो उम्मीद है कि इन ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा आएंगे तो सही लेकिन अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो कम होगा तो उससे इन शी पैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पर मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की ये भी इन नीचे आ जाएगी तो मैं फिर से आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबको स्टेट ग्रिड को भी अपनी जो हमारे लोगों ने काम किया उसको भी सबको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ शुक्रिया